नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं ये मथुरा का वीडियो। अभी हम जा रहे हैं रमन रेती आश्रम, तो आप आगे वीडियो में देखिएगा, बहुत खूबसूरत आश्रम है, थोड़ी सी दूरी पे ही है। तो चलिए आइए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं रमन रेती आश्रम पे, यहाँ से हम एंटर करेंगे। आइए चलते हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये एंट्री गेट है और इसके अंदर हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत यह आश्रम है, आप ज़रूर आइए, वृंदावन में घूमिए। यहाँ मार्च के महीने में बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अंदर चलते हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ है इस आश्रम में, बहुत खूबसूरत आश्रम है। आप आए मथुरा तो रमन रेती आश्रम में आप ज़रूर घूमें। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप आए तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में यह आश्रम बंद रहता है, तो दोपहर में ना आए, कोशिश करें कि आप सुबह 8 बजे इस आश्रम के अंदर एंटर ले लें। ये देखिए काफ़ी लोग हैं, बहुत खूबसूरत आश्रम है, इतने पेड़ हैं, बहुत ही हरियाली है। ये देखिए बहुत सुंदर, इसमें कुछ गैया भी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर भी। ये देखिए बहुत अच्छे से बनाया गया है इस आश्रम में। ये देखिए ये पेड़ है, धूप का तो एहसास होता ही नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे कोई गुरुजी हैं, लोग दर्शन करने जा रहे हैं। और ये देखिए ये सामने आप देखिए, नीचे रेत बिछाई गई है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये झोपड़ी बना रखी है, लगता है कि किसी पुराने समय की ये झोपड़ी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे भंडारा भी चल रहा है, कुछ लोग खाते हुए आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और ये देखिए बिल्कुल सभी लोग भंडारा खा रहे हैं, आप देख सकते हैं, निःशुल्क है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो आप एक बार मथुरा के इस रमन रेती आश्रम में ज़रूर आइए, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे मार्च के महीने में होली बहुत अच्छे से खेला जाता है, रेतों जो रेत होती है उस रेत को उठा के एक दूसरे के ऊपर फेंक के लोग खेलते हैं, बहुत सुंदर। आप ये देखिए हरियाली बिल्कुल इस आश्रम की एक निशानी है, आप देख सकते हैं। इन झोपड़ी पे कितनी सुंदर पेंटिंग भी बनाई गई है, आप देख सकते हैं, ये कुछ लोग झूला झूलते हुए आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आप एक बार ज़रूर आइए रमन रेती आश्रम घूमने, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों।